प्रेरणा कथा। माइकल फैराडे की सादगी। महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में अनुसंधान करते और पढ़ते हुए बिता दिया था। एक दिन एक सरकारी अधिकारी उनसे मुलाकात करने के लिए आए। वहां पहुंचने के बाद सरकारी अधिकारी ने फैराडे के बारे में पूछा तो एक गार्ड ने प्रयोगशाला की ओर जाने को कहा। सरकारी अधिकारी जब प्रयोगशाला की ओर पहुंचे तो उन्हें पूरी प्रयोगशाला खाली मिली। उन्होंने काफी तलाश किया पर उन्हें किसी वैज्ञानिक के चिन्ह नजर नहीं आए। वहां से वह वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जिन्होंने ढीला धागा चोला पहना हुआ था और वह एक सिंक में बोतलें साफ करने में लगे थे। उसे देखकर अधिकारी बेरुखी से बोले, ए सुनो, क्या तुम रॉयल सोसाइटी के कर्मचारी हो? अधिकारी की बात सुन वृद्ध व्यक्ति बोले, जी हाँ, मैंने 4 दशकों से अधिक समय इस सोसाइटी की सेवा की है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इस पर अधिकारी चिड़चिड़ा कर बोला, मुझे एक महत्वपूर्ण काम के लिए एक महान वैज्ञानिक से मिलना है। मुझे बताया गया कि वह यहीं मिलेंगे पर मुझे वह कहीं भी नहीं मिले। गार्ड ने मुझे गलत जगह पर भेजा, मैं उसकी शिकायत करूंगा। अधिकारी की बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति सहजता से बोले, सर आपको किन वैज्ञानिक से मिलना था? यह प्रश्न सुनकर अधिकारी व्यंग करते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम नहीं समझ पाओगे, ना ही उनसे मिलने में मेरी कोई मदद कर पाओगे। पर एक बार बताइए तो सही, वृद्ध बोले। अधिकारी खींच कर बोला, मुझे माइकल फैराडे से मिलना है। इस पर वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराकर बोले, जी बैठिए, मुझे ही माइकल फैराडे कहते हैं। यह सुनकर अधिकारी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो माइकल फैराडे की सादगी देखकर उनके प्रति नतमस्तक हो गया। मित्रों, विश्व में जितने भी महान वैज्ञानिक, लेखक, समाज सुधारक, शिक्षक या धर्म प्रचारक हुए हैं, बहुत ही साधारण और सरल जीवन बिताते थे। उनको अपने आप को बड़ा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो अपने काम को करते रहते थे और लोग उनके कामों की प्रशंसा करते रहते थे। आज के नेताओं और बड़े लोगों की तरह वो सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।